वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पानी को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होने वाली जंग में एक नया ट्विस्ट निकल कर सामने आ रहा है। दरअसल जो एक्सेस पानी भारत से पाकिस्तान की तरफ जाता है उसे इंडिया अपने यहाँ रोक के रखने का प्लान कर रहा है, और इसी के लिए भारत ने हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहुत से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और डैम बनाना शुरू कर दिया है। और वो सब प्रोजेक्ट्स जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बनते जा रहा है। और इसी से शहबाज शरीफ थोड़े से डरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान शायद बहुत बड़ा हिस्सा अपने पानी का खोने वाला है। तो इसी के बारे में आगे बात करने के लिए 5 मेंबर की एक टीम पाकिस्तान से नई दिल्ली आएगी 30 मई को, और ये मीटिंग 2 दिनों तक चलने वाली है ताकि कोई सोल्यूशन निकल सके इस बात का। जो अभी करंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जैसे कि पकालदुल और लोअर कलनी, ये दोनों शायद इस मीटिंग में उठाए जाएंगे। ये 2 प्रोजेक्ट्स उन 10 प्रोजेक्ट्स में से हैं जो भारत बना रहा है ताकि हम हमारे जो वाटर ट्रीटी है विद पाकिस्तान उसका पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके और यूटिलाइज कर सके। इन दिस वाटर ट्रीटी के तहत जो भी नदी पर पहले प्रोजेक्ट बिल्ड करेगा उसे पहला हक मिलेगा नदी के पानी। ऑल टोटल भारत जम्मू और कश्मीर में बना रहा है 9 हाइड्रो प्लांट्स और हिमाचल प्रदेश में 1। और आज इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आप जितना पानी स्टोर कर सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए या फिर बिजली उत्पादन करने के लिए उसको आज तक कभी भी भारत ने पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया है। बट अब सिंस खेती में बढ़ते हुए डिमांड पानी के लिए और बढ़ते हुए बिजली के सप्लाई की डिमांड के लिए भारत को ये प्रोजेक्ट फोर्सफुली बनाने ही पड़ रहे हैं अलग अलग नदियों पर। और भारत जिस स्पीड से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स का, एस्टिमेटेड टाइम ये है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार हो जाएंगे आने वाले 1 साल के अंदर। तो पाकिस्तान के पास नहीं भी तो 1 साल या फिर उससे कम टाइम बचा है जिसमें वो भारत के साथ बैठकर कोई मीटिंग करे या फिर कोई सोल्यूशन निकाले। बट अब पाकिस्तान सही में एक बहुत बड़ी वाटर क्राइसिस में फंस गया है, और देख के लग रहा है कि भारत पाकिस्तान की कोई मदद चाह कर भी नहीं कर सकता। और चाहे जितनी भी मीटिंग्स क्यों ना हो जाए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इसका कोई सॉलिड सोल्यूशन निकलेगा नहीं, क्योंकि इंडिया के भी हाथ इन दी एंड बंधे हुए हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो का लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं।